हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एटलीस्ट सुन पा रहे हैं क्या सब लोग? कम ऑन पीपल, हेलो स्वरूप, हाउ आर यू? ओके गुड, ठीक है गाइस। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि देखिए भाई, हमारा जो है वो अन अकेडमी पर यूसी एक हमारा बहुत बड़ा कॉन्क्लेव आ रहा है, और इस कॉन्क्लेव में हमारे जो चैंपियंस हैं सारे के सारे वो यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आप अगर इस वेबसाइट पर जाओगे और आप सिर्फ अगर unacademy.com/event/champions-conclave अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात जो है वो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी इस लिंक को यहाँ पर पिन करके रखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस लिंक पर जाना है। लिंक पर जाओगे, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। 3 इनसाइटफुल डेज है, 15 लगभग आइकॉनिक टॉपर्स आएंगे, 14 लगभग टॉप एजुकेटर्स, इन लोग सब अपनी अपनी कहानी बताएंगे। इवेंट्स में अगर आप लोग देखोगे तो प्रिपरेशन जर्नी, ओवरकमिंग चैलेंजेस, अन अकेडमी प्रिपरेशन पार्टनर्स कैसे रखें। इनमें स्पीकर अगर हम देखें तो देखिए दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, उसके बाद अमिताभ भट्टाचार्य सर, उसके बाद कृष्ण मोहन सर जो कि सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, अमनप्रीत मैम जो कि आईआरएस हैं, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स न्यू दिल्ली की, जागृति अवस्थी जो इस साल की रैंक 2 रही है, पवन प्रवीण कुमार जो रैंक 7 है, इसी के अलावा सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, दिव्या और उत्कर्ष कुमार, वासु जैन, ये सारे जो टॉपर्स हैं ये बेसिकली आप सबसे बात करने के लिए आएंगे। और इन सब के साथ में जो एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, देखिए उसमें सुदर्शन सर हैं, सिद्धार्थ अरोरा सर हैं, प्रतीक नायक सर है, डॉक्टर महिपाल राठौर सर हैं, और ऐसे अन्य हमारे कई एजुकेटर्स जो है वो आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। तो शेड्यूल देख लीजिए आप लोग, एकदम पूरा इस वेबसाइट पर दिया हुआ है, जहाँ पर आप देखोगे November 20, November 21, November 22, तो इन सब चीज़ों में आप जो है वो बेसिकली ये इस शेड्यूल में आप लोग कम्प्लीटली देख सकते हो कि किस तरीके से ये होगा। यस, आई होप जस्ट कि आप सब जो है इस शेड्यूल को बिल्कुल फॉलो करेंगे और इस आने वाले जो सेशंस हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, अगर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछने हैं, देखने हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप इतना सब लोगों को क्लियर होगा, और चलिए फिर हम लोग जो है वो अपने आज के सेशन से शुरुआत करते हैं। बट इससे पहले आप लोगों को बता दूं, अन अकेडमी पर आप सभी को ये आज लास्ट डेट है या लास्ट डे है जब आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। तो अगेन लेट मी टेल यू, एक्सपर्ट गाइडेंस इन सभी लोगों का आने वाला है। देखिए भाई, देरी नहीं करना है और इन सब लोगों से आप लोग जो है वो सीखिएगा। अन अकेडमी ने 170 से भी ज़्यादा जो है वो रैंक्स इस साल हमारे दिए हुए हैं, तो इसके लिए अगर हो सके तो आप लोग अन अकेडमी पर अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर इंश्योर कीजिए। ठीक है, देखिए देरी नहीं करना है और जल्दी से जल्दी आप जो है वो अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिए। कूपन कोड जो आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय में यूज़ करना है उसका नाम है अरविंदा। तो देखिए एकदम पूरा लास्ट डेट है, ओके पूरा लास्ट डेट है। आप लोगों ने स्क्रीन पर शुरुआत में भी देखा था और उसके बाद में आप लोग एकदम एंड में भी देखेंगे कि आपको कौन सा कोड जो है वो यूज़ करना है। तो ये इन प्राइसेस पर आपको लास्ट टाइम ये सब जो है वो मिलने वाला है। अगर कहीं पर भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो तो अन अकेडमी आपको पूरा हेल्प करेगी आपको लोन दिलवाने के लिए। तो फिर चलिए देरी नहीं करते हैं और हम लोग आज के अपने ही सेशन से शुरू करते हैं। तो आई होप सब लोगों को इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। एवरीवन, यस, और क्या आप लोगों ने इस सेशन के लिए सब लोगों ने एनरोल कर लिया, अपने आप को रजिस्टर कर लिया है? देखिए लिंक जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, आप सबको लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी दी हुई है। इस लिंक का पूरे इस्तेमाल जो है वो आप कीजिएगा।
ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं। आई होप आप सबने यहाँ पर इस लिंक पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया होगा। आज के टॉपिक के हिसाब से हम लोगों को जो शुरू करना है वो है ब्लैक होल्स। तो आज हम लोग जो है वो ब्लैक होल शुरू करेंगे। और मैंने कहा था आपको ब्लैक होल्स, ब्लाजार्स, क्वासार्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग एकदम डिटेल में भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ दिस ब्लैक होल और न्यूज़ में क्यों था? तो कुछ इसको अभी वैसे समय हो गया है, ब्लैक होल वैसे भी हमेशा न्यूज़ में ही होते हैं, लेकिन इवेंट हॉरिजॉन नाम का एक टेलीस्कोप है, ETH कहते हैं हम उसको, EHT सॉरी। तो ये इवेंट हॉरिजॉन नाम का जो टेलीस्कोप है उसने रिसेंटली रियल इमेज जो है वो ब्लैक होल की हमको दी थी। बट सर, हम लोगों ने तो ब्लैक होल्स की इमेजेस ऑलरेडी देखी हुई हैं। ये सर देखिए, जो आप अगर थोड़ा सा गूगल खोलोगे तो आपको ब्लैक होल की ऑलरेडी इतनी एकदम सॉलिड इमेज जो है वो मिल जाएगी। फिर क्यों हमको ये ब्लैक होल की इमेज का पता लगाना पड़ा? तो देखिए, ये ब्लैक होल्स की इमेज जो पहले आप लोग जो ऐसे स्क्रीन पर अपने जो देखते हो कि जिसके अंदर में सिंगुलैरिटी या इवेंट हॉरिजॉन या रिलेटिविस्टिक जेट या एक्रीशन डिस्क या फोटोन स्फीयर, ये सब जो आपको दिखता है, या इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, ये सब जो आपको दिखता है, ये सब क्या है? ये सब जो आपको दिखता है ये सब एक क्रिएटिव पर्सन का इमेजिनेशन है। मतलब ये आज तक हम लोग जो है सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू इसको बना रहे थे, हमारे पास में ये रियल डायग्राम नहीं है। हम लोगों ने आज तक जो भी फोटोज़ लिए हैं वो कोई रियल डायग्राम नहीं है इसकी। तो फिर क्या, फिर जो है वो अब हम लोगों ने फाइनली हमारे पास में मल्टीपल जगह पर, मल्टीपल लेवल पर हम लोगों ने टेलीस्कोप रखे थे, और उस इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के थ्रू फाइनली हम लोगों ने ब्लैक होल की ये रियल इमेज जो है वो अब हम लोगों ने क्लिक की है। तो देरी नहीं करते हैं और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्लैक होल को समझने से। तो चलिए फिर ब्लैक होल सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है ब्लैक होल का एक वीडियो भी हम लोग एकदम शॉर्ट में, अगर आप चाहो तो हम इसको देख सकते हैं। लेट मी जस्ट सी वेदर आई कैन क्लिक ऑन दिस और नॉट। ठीक है, हो सके तो बाद में एकदम एंड में देख लेंगे, पहले आप लोग इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि ब्लैक होल एग्जैक्टली होता क्या है। या फिर चलिए, वीडियो अगर हो ही जाए क्लिक तो बढ़िया होगा यार, मज़ा आ जाएगा। ये इवेंट हॉरिजॉन का जो कंसेप्ट है, Monica, I just ये sent you the email with the client now. थोड़ा सा मजा आ गया। Can you send an updated? Monica, check your messages when you can. There's something important. Just over 100 years ago, Einstein showed how gravity could be imagined as a distortion of space-time. ये His equations revealed that an object small enough and distortion of space-time. एक काम करते हैं, ये वाला वीडियो आई थिंक आपको मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में दिखाया हुआ ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले आप मुझसे एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, उसके बाद में मैं आपको ब्लैक होल का वीडियो दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ब्लैक होल बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल का अगर हम कहानी पर जाए तो ब्लैक होल एक बेसिकली सन है। तो आप सबको पता है कि सन को हम लोग स्टार कहते हैं, और इस सन का जो है या इस स्टार का जो है वो बहुत ही हैवी वेट होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरीके से, मतलब हमारे जो स्पेस में कुछ इस तरीके से स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक होता है। तो इस स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक को जब भी हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मास है वो उसको बेंड करता है। तो यहाँ पे सन देखिए बेंड कर रहा है, यहाँ पर मून देखिए किस तरीके से बेंड कर रहा है, और सॉरी अर्थ, अर्थ देखिए यहाँ पर बेंड कर रहा है। तो ये अर्थ कैसे बेंड कर रहा है और सन देखिए कैसे बेंड कर रहा है। तो हर एक स्टार जो है वो कुछ ना कुछ अपने वेट की वजह से बेंडिंग जो है वो हमेशा करवाता है। तो इससे पहले कि हम बहुत आगे जाएं, मैं आप लोगों को थोड़े से सन के बेसिक्स बताना चाहूँगा पहले, मतलब तो ये बहुत अच्छे से सीखिए। वैसे हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर्स में सन के बेसिक्स ऑलरेडी देखे हुए हैं कि सन जो है वो किस तरीके का होता है, क्या होता है। तो उसकी हम लोगों ने मेन जो तीन लेयर्स है वो देखी थी, जैसे कि सबसे नीचे जो फोटोस्फीयर होता है उसके ऊपर जो है वो क्रोमोस्फीयर होता है, उसके ऊपर में कोरोना होता है। फिर सन में आपको ऐसे प्रोमिनेंस नाम की जो चीज़ है वो दिखेगी, सन स्पॉट्स हमको दिखते हैं, और ये सन स्पॉट्स आप सबको पता भी होगा कि ये एकदम हाई मैग्नेटिक फील्ड के एक्टिविटी वाली जो जगह है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर, बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है।
एंड देन देर आर सोलर फ्लेयर्स ऑल्सो. तो ये आप लोग जो देखते हो ये सोलर फ्लेयर्स होती हैं आपकी, एकदम बहुत ही तेज तर्रार सोलर फ्लेयर्स होती हैं. तो जैसे एक ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, कि आप एक फीटस होते हो, फीटस होने के बाद में आप जो है वो इन्फंट बनोगे, इन्फंट के बाद में आप जो है वो थोड़ा सा मे बी अपने चाइल्ड एज में, एडोलसेंट एज में जाओगे, उसके बाद में आप एडल्ट बनोगे, एडल्ट बनने के बाद में आप मिडल एजेस में आओगे, मिडल एजेस के बाद में आप लोग एकदम ओल्ड एज में आओगे और उसके बाद में आपकी डेथ होती है. तो कुछ उसी तरीके से हर एक स्टार का भी यू नो जन्म और मरण, ये दोनों भी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टार जो है वो हमारा इस तरीके से प्रोटो स्टार होता है, ठीक है. सबसे पहले स्टार जो है वो कुछ इस तरीके से प्रोटो स्टार होता है. प्रोटो स्टार बनने के बाद में क्या होता है कि जब ये थोड़ा बड़ा होता है तो ये ऐसे इसमें फ्यूजन रिएक्शन जो है वो शुरू होती है. फ्यूजन रिएक्शन के बाद में यहाँ पर इसका स्टार जब एक एडल्ट बन जाता है तो उसका मेन सीक्वेंस आता है, और मेन सीक्वेंस के बाद में इस तरीके से जब वो थोड़ा सा जब इसका मेजर हीलियम एंड इसका हाइड्रोजन जब बर्न आउट हो जाता है तो ऐसे फिर ये रेड जाइंट बनता है, या जिसको हम सुपर जाइंट कहते हैं. रेड जाइंट के बाद में ये बाद में पूरा का पूरा इसमें एकदम मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से ब्लास्ट ऑफ होने के बाद में जो पीछे जो चीज़ बचती है उसको हम ड्वार्फ या फिर ब्लैक होल कहते हैं. तब या तो वो आपका वाइट ड्वार्फ बनेगा या फिर आपका ब्लैक होल बनेगा. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जिसकी एकदम गैसेस से लेकर के प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से लेकर के मेन सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस से लेकर के कुछ इस तरीके से आपका ये धीरे धीरे जो है वो रेड जायंट वगैरह बन बना करके, रेड जायंट के बाद में इस तरीके से वाइट ड्वार्फ बन के ये आगे की तरफ में जो है वो जाता है. और इसके अंदर में जो है वो ऐसे सबसे पहले जो है वो इसका हाइड्रोजन बर्न होता है, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन, नियॉन, ये सब बर्न होते होते फाइनली जो है इसके अंदर में निकल, आयन, यही सब चीज़ें बचती हैं. और जब निकल एंड आयन सिर्फ इसके अंदर में बचती है तो इसका एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ओके. और ये जो ब्लास्ट हो जाता है तो ये ब्लास्ट हो जाने के बाद में आप लोग क्या देखोगे, ये ब्लास्ट हो जाने के बाद में आपका एकदम एंड में जो पीछे वाइट ड्वार्फ बनेगा. तो ये वाली जीएफ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली जीएफ अगर आप लोग बहुत ही गौर से अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो पहले क्या है इसके अंदर में, यस देखो एक स्टार था, अब ये स्टार ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद में अब इसके अंदर में सिर्फ एक वाइट ड्वार्फ जो है वो एंड में बचेगा. ये देखो एकदम वाइट ड्वार्फ जो है वो आपका एंड में बचा हुआ. तो कुछ इसी तरीके से जो है वो हर एक स्टार की जो है वो लाइफ लिमिट होती है. तो अब देखो डिपेंड करता है, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे तो चंद्रशेखर, तो ये इंडियन साइंटिस्ट भी थे प्लस अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे. इन्होंने कहा कि देखो स्टार की लाइफ जर्नी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से शुरू होती है. ऑलमोस्ट गैशियस पार्टिकल से लेकर के प्रोटो स्टार के तरफ तक आते हो, उसके बाद में डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्टार की साइज़ कितनी है. अगर स्टार की साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल है या फिर स्टार की साइज़ जो है वो काफ़ी लार्ज है तो इन दोनों की लाइफ साइकिल जो है वो अलग होगी. मतलब क्या मतलब, स्मॉल स्टार जो है वो आपका आगे जाएगा और आगे जा करके रेड जायंट बनेगा, और ऐसे ही यू नो ये रेड सुपर जायंट बनेगा. फिर उसके आगे जो है इसमें एकदम से ऐसे इस तरीके से प्लैनेटरी नेबुला का पूरा पूरा ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद में यहाँ पर भी मतलब इसका अगेन ये जो होगा इसको भी हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं, इसको हम प्लैनेटरी नेबुला बोलते हैं, इसको हम सुपरनोवा बोलते हैं. और अगर छोटा स्टार था तो इसका एंड रिजल्ट जो डेथ के बाद में जो बनेगा वो आपका बनेगा वाइट ड्वार्फ. और अगर इसका ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट होने के बाद में या तो अगर इसकी साइज़ काफ़ी छोटी थी तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा आपका ब्लैक होल. ठीक है, तो ये कौन ब्लैक होल बनेगा, कौन न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, कौन जो है वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, ये किसे हम लोग डिटरमिन करते हैं, वो हम लोग डिटरमिन करते हैं चंद्रशेखर लिमिट से. तो चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि अगर हमारे सन के मास का, ठीक है, हमारे सन के मास का अगर 1.4 टाइम्स से ग्रेटर अगर मास है तो वो वाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा. मतलब या तो 1.4 टाइम्स अपने सन के मास से कम हो या फिर अपने सन के मास के इक्वल हो तो ये सब कुछ जो है वो वाइट ड्वार्फ बनेंगे, इंक्लूडिंग आर सन. अपने भी सन का जब सारा का सारा फ्यूल जब बर्न आउट हो जाएगा तो उसके बाद में उसको क्या बनना है, उसके बाद में ये जो है वो प्योरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ वाइट ड्वार्फ बनेगा. तो ये वाला उनका आइडिया था प्योरली, ठीक है. और इसके लिए ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है ऑलरेडी फिजिक्स में, ठीक है. तो आई होप इतना सबको जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा.
अब क्या होता है कि जब भी आप लोगों का इस तरीके से कोई ब्लैक होल बनता है या न्यूट्रॉन स्टार बनता है या वाइट ड्वार्फ बनता है, तो इसमें आप लोगों का मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सीधी सी बात है, देखो एक जो है, अगर ये एक ऐसा फैब्रिक है, फैब्रिक पर अगर मैं कोई वज़न रखूँगा, कुछ इस तरीके से समझो मैं वज़न रखता हूँ, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बेंड करेगा। बट अगर इसके ऊपर मैं इस फैब्रिक के ऊपर मैं और बड़ा वज़न अगर रखूँगा तो ये फैब्रिक को ज़्यादा बेंड करेगा। इतना सबको क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है कि ये फैब्रिक को ज़्यादा बेंड करेगा, क्योंकि इसका मास जो है वो कई गुना ज़्यादा है, इसका मास जो है वो कई गुना ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि वो ज़्यादा बेंड करेगा फैब्रिक को, और ये थोड़ा सा कम बेंड करेगा फैब्रिक को। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी यहाँ पर मेजरली आती है। अब जो है अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, खास करके अगर हम वाइट ड्वार्फ की बात करें या ब्लैक होल की बात करें, तो होता तो इसका जगह बहुत ही छोटा है, बट इस छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अब कितना मास इसके अंदर में कॉन्सेंट्रेट होता है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप सबको हिमालय पता है, अपने पूरी हिमालय की चेन, यस, जो उसमें आपके ग्रेटर हिमालय कहो, आप उसके बाद में मिडल हिमालय कहो, लेसर हिमालय कहो, ये सब आपको पता होंगे। तो ये इतना बड़ा जो हिमालय का पूरा रेंज है, इसको आप कॉम्प्रेस करते गए, कितना लेवल पर कॉम्प्रेस करते गए कि ये सारा का सारा पूरा इतना बड़ा जो हिमालय है, इसको हम लोग एक सिर्फ छोटा सा जो आपके घर में टेबल स्पून जो होता है ना, जिसको हम चम्मच कहते हैं, उस चम्मच के जितनी जगह पर हम लोग इसको रखें, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्रेशन अपने को अचीव करना है। तो इस लेवल का कॉम्प्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग अचीव करते हैं, समझ रहे हो? तो ये लेवल का जब कॉम्प्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो मास एक जगह पर ही आप लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है फिर सर, इसके वजह से होता यूँ है कि जब छोटा सा एकदम छोटी सी लोकेशन पे बहुत हैवी मास अगर आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो सडनली वो स्पेस एंड टाइम को इन्फाइनेटली बेंड करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसको, स्पेस एंड टाइम को इन्फाइनेटली बेंड करता है। तो ये देखो, ये स्पेस एंड टाइम को इन्फाइनेटली बेंड करता है, और उस पॉइंट पर जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इन्फाइनेटली बेंड करने के बाद में जहाँ पर मास सारा का सारा आप कॉन्सेंट्रेटेड मानोगे, उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी इज़ द प्लेस वेयर इट इज़ सेड दैट ब्लैक होल्स एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये है, ओके, और इस मास में जो है, मतलब यहाँ पर आने के बाद में सब कुछ जो है वो मिक्स एंड मैच जो है वो आपका हो जाता है। तो ये कुछ ब्लैक होल का बेसिक सा जो है वो डिस्क्रिप्शन है। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया कि सिंगुलैरिटी क्या होता है। तो सिंगुलैरिटी इज द सिंगुलैरिटी इज द पॉइंट वेर इट इज एज्यूम्ड दैट एंटायर मास ऑफ द ब्लैक होल इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस तरीके से सिंगुलैरिटी आता है। सर नाउ व्हाट इज इवेंट हॉरिजॉन? तो देखो, अगर आप लोगों ने इंटरस्टेलर नाम की अगर मूवी देखी हो तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाना इस कंसेप्ट से आसान होगा, बट अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं कि आपने वो देखना ही चाहिए। सिर्फ बताता हूँ कि इवेंट हॉरिजॉन एक ऐसी प्लेस है जहाँ तक, ओके, जिसके बाहर तक आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसके अट्रैक्शन फोर्स से आप जो है वो निकल सकते हो, ब्लैक होल के अट्रैक्शन फोर्स से आप बाहर निकल सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी जो इसमें से निकलने की जो स्पीड है, वो निकलने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर अगर आप लोगों की स्पीड है तो आप यहाँ से निकल पाओगे। तो सिंगल, तो इवेंट हॉरिजॉन इज द प्लेस जहाँ तक अगर आपकी लाइट की स्पीड जितनी अगर स्पीड है तो आप निकल जाओगे, इसके अंदर गए तो आपको लाइट की स्पीड से तेज़ गति से आपको बाहर आना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू ऑल नो कि इन एंटायर यूनिवर्स व्हाट इज़ द फास्टेस्ट थिंग दैट कैन ट्रेवल, आंसर इज़ लाइट। लाइट से ज़्यादा किसी की भी जो है वो तेज़ी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो याद रखिएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे कॉल आ गया था, बट आई होप कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। सो आई वॉज सेइंग कि ये इसके अंदर में जो है इस तरीके से, इसके अंदर अगर आप घुस गए तो आपको ग्रेटर देन लाइट की स्पीड लगेगी, जी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
तब हम क्या कर सकते हैं? तो अब इसके लिए फिर ये इस तरीके का ब्लैक होल का सारा कंसेप्ट है। तो आई होप सबको ये ब्लैक होल का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, यस, कि किस तरीके से जो है वो एक ब्लैक होल जो है वो सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और क्यों अट्रैक्ट करता है? बिकॉज उसका मास बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और वो स्पेस एंड टाइम के हॉरिजॉन को बहुत ही खतरनाक तरीके से बेंड करता है। अभी जब मैंने आपको समझा दिया है तो एक काम करते हैं, चलिए फिर अब इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा और बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो A point where gravity is so strong that not even light could escape. Astronomers now believe that these objects, known as black holes, exist. They inhabit the centers of almost all galaxies, where they can grow to be millions or billions of times the mass of our sun. Despite this history and growing astronomical evidence, we have never actually seen a black hole. The Event Horizon Telescope, or EHT, is the first experiment designed to capture a black hole's image. In doing so, the EHT will test Einstein's theory of gravity at one of the most extreme places in the universe, the Event Horizon. Massive black hole at the center of our own Milky Way. Though it is 4 million times as massive as our sun, it is so far away that mapping its event horizon is equivalent to standing in New York and counting the individual dimples on a golf ball in Los Angeles. Gas falling towards this black hole heats up to billions of degrees, causing the event horizon to appear as a silhouette whose size and shape are predicted by Einstein's theory. और ये आइंस्टाइन ने पहले ही अपनी थ्योरी में जो प्रेडिक्ट कर लिया था, यहाँ से मल्टीपल वेव्स जो है वो आपको मिलते हैं। Where the gas glows most brightly, and light can travel unimpeded from the center of the galaxy to telescopes on Earth. तो ये देखिए ब्लैक होल है, वहाँ से close to the black hole, the light waves appear circular, like ripples in a pond. But by the time they reach Earth, they are essentially plane waves. Imaging a black hole at this wavelength requires a telescope as big as our planet. The EHT uses a global network of dishes to simulate a telescope of this size. Each dish collects and records radio waves coming from near the black hole. The data are then combined to create the image of the event horizon. This will only work, however, if the dishes are completely synchronized. To understand this, let's use the analogy of a mirror, such as an optical telescope used for stargazing. Imagine the EHT formed from all the different array sites as one big parabolic mirror. The mirror is curved so that when a line of waves comes into the dish, the EHT sites are synchronized with the optical. ठीक है, तो vibrating, for example, आप लोगों को ये अब समझा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है to ensure stability, the ears, इस इमेज को हम लोगों ने ट्रेस किया है और ट्रेस करने के बाद हम लोगों ने इसको बनाया है. Instead, the recordings are stored on hard computer combines the data. सबको इतना क्लियर हुआ है कि किस तरीके से ब्लैक होल जो है वो काम करते हैं? या फिर चलिए आपको एक ब्लैक होल एनिमेशन थोड़ा सा बताते हैं, तो उससे आपको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है आएगी. ClickUp is the fastest growing productivity tool today because marketing managers who use it say things like this. Andres on Captera. Black holes are one of the strangest things in existence. If you fall into one. तो ब्लैक होल ऐसा आपको दिखेगा. Starmus gas clouds under their releasing a tremendous मतलब maintaining a delicate balance between the two forces, but for stars with way more, until creates iron, critical amount, and the balance between radio elements in the universe are created as the star dies in a supernova explosion. This produces either a neutron star, or if the star is massive enough, the entire mass of the core collapses into a black hole. ठीक है, तो इस तरीके के ये सारे कंसेप्ट जो है ब्लैक होल के हैं. तो आई होप गाइज अब आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो भी पता है कि सिंगुलैरिटी का क्या कंसेप्ट होता है. तो एज आई सेड कि सिंगुलैरिटी इज़ वेल इनसाइड द इवेंट हॉरिजॉन, लाइज एट द हार्ट ऑफ द ब्लैक होल द सिंगुलैरिटी, एंड इट इज़ सपोज दैट एंटायर मास ऑफ द ब्लैक होल इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ओवर देम. एंड सेकेंड थिंग इज इवेंट हॉरिजॉन. इवेंट हॉरिजॉन इज़ द प्लेस यू नो through which if you want to escape, then the escape velocity needs to be more than speed of light. तो ये दो कंसेप्ट जो है वो आपको बस क्लियर होने चाहिए थे. देन आप मुझे कहोगे कि सर फिर ऐसा होगा क्या कि कभी ब्लैक होल की डेथ ही नहीं होगी?
मतलब एक बार अगर ब्लैक होल बन गया है तो उसकी कभी डेथ ही नहीं होगी, तो ऐसा है क्या सर? तो आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल की भी डेथ जो है वो होती है, ब्लैक होल की डेथ जो है वो होती है। कैसे होती है? तो उसका आंसर जो है वो हमारे जो स्टीफन हॉकिंग से उन्होंने दिया था। तो स्टीफन हॉकिंग ने अपने हॉकिंस रेडिएशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि हॉकिंस रेडिएशंस क्या होती है। हॉकिंस रेडिएशन बेसिकली देखो, किसी भी मैटर का एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होता है। तो इसका एंटी पार्टिकल जो है वो ब्लैक होल के तरफ में अट्रैक्ट होकर के गिर जाता है, और पार्टिकल जो है वो बाहर की तरफ में जाता है, और ये जो बाहर आता हुआ जो पार्टिकल आपको दिखता है इसको हम लोग हॉकिंस रेडिएशंस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर अगर हम लोग जाएं तो आप लोग इन सब चीज़ों को समझ पाओगे थोड़ा सा। एनीवेज, पॉइंट बीइंग कि हॉकिंग्स रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ द ब्लैक होल। तो अगेन, अगर समझो यूपीएससी में या आपके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपसे कुछ इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि ब्लैक होल्स की डेथ के लिए हॉकिंग्स रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू मार्क इट एज अ ट्रू। सबको क्लियर? एवरीवन, इतना सबको क्लियर है कि ब्लैक होल की डेथ के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकिंस रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल, आंसर इज यस। तो आपको यस जो है वो आंसर मेजरली देना है। तो आई होप गाइज, अब ये ब्लैक होल का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये जो एक आर्टिस्ट ने बनाई हुई जो इमेज जो है इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें देखिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है वो एक ब्लैक होल, मतलब पूरा पूरा ब्लैक रीजन होगा, और इसके अंदर में ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं इवेंट हॉरिजॉन। आपको पता है इवेंट हॉरिजॉन के बाहर में जो है वो आप लोग स्पीड ऑफ लाइट से अगर निकलोगे तो फिर भी बच पाओगे, लेकिन इसके अंदर गए तो नहीं बच पाओगे। तो इसके अंदर में एकदम सेंटर में इसके जो एक पॉइंट आएगा उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पर सारा का सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहे। देन ये है फोटोनस्फीयर। फोटोनस्फीयर में क्या होगा, देखो अभी इसको एक्रीशन डिस्क भी बोलते हैं। जब ब्लैक होल आप लोगों का यू नो सेंटर में है तो इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना होगा कि ये हर एक चीज़ को अपने तरफ में अट्रैक्ट करेगा। सही बात है? तो जो भी प्लैनेट्स उसके पास में हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें उसके पास में हैं, उन सबको वो अट्रैक्ट करेगा। अब सबको अट्रैक्ट करोगे, सारा का सारा भीड़ जो है यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब भीड़ जब जमा हो जाएगा तो ये सब जो है वो रोटेट हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इससे आप लोग क्या देखोगे, इससे आप लोग इस चीज़ में आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पर जो है वो एक्रीशन होगा चीज़ों का। एक्रीशन मतलब क्या, चीज़ें जो है वो जुड़ती जाएंगी, चीज़ें जो है वो इकट्ठा होती जाएंगी। तो जब इकट्ठा होने पर ये जो चीज़ें आपको मिलेंगी या इसके वजह से जो एक डिस्क बनेगी उसको हम लोग कहते हैं एक्रीशन डिस्क। सबको इतना क्लियर व्हाट इज़ एक्रीशन डिस्क? ये देखो, यहाँ पर सारे प्लैनेट वैनेट, छोटे मोटे सन मून एस्ट्रॉयड, ये वो सब जो है वो जमा हो गए होंगे यहाँ पर। अर्थ जैसे जो भी प्लैनेट्स वगैरह होंगे वो सब यहाँ पर जमा हो गए होंगे। तो ये आपका एक्रीशन डिस्क जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो एक्रीशन डिस्क देखो यहाँ पे क्या होगा, सुपर हीटेड गैस एंड ठीक है सुपर हीटेड गैस जो है जिसको हम कहते हैं सुपर हीटेड गैस, और ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे वो है, और यहाँ से आपके एक्सरेज, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रेडियो, ये सब जो है वो आप लोगों का यहाँ से वापस निकलेगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, फोटोनस्फीयर, रिलेटिविस्टिक जेट। अब देखो क्या होता है कि ये एक्रीशन डिस्क में एक्चुअली इतना घर्षण वगैरह होता है, इतना सारा यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह होता है कि इस फ्रिक्शन के बाद में फाइनली जो है यहाँ से एक जेट स्ट्रीम की जेट स्ट्रीम निकलती है ऐसे। तो इस जेट स्ट्रीम से आप लोग ये देख रहे हो वाइट वाली जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम निकलती है। तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग, बिकॉज ये जेट स्ट्रीम अपने काम आने वाली है। तो ये जेट स्ट्रीम समझेगी तभी आप लोगों को आगे के जो दो कंसेप्ट हैं जिसको हम लोग कहते हैं, वन इज़ क्वासार एंड सेकेंड इज़ ब्लाजार। तो ये क्वासार एंड ब्लाजार के कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं और क्वासार एंड ब्लाजार को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्वासार एंड ब्लाजार। तो अब तक हम लोगों ने जो ब्लैक होल सीखा है तो वो ब्लैक होल से अपने को क्या समझ में आया, ब्लैक होल से हमको समझ में आया है कि ब्लैक होल का ये वाला पार्ट जो है वो ब्लैक होगा, प्लस इसके अंदर में सिंगुलैरिटी होगी, इधर ही इवेंट हॉरिजॉन है, और इसके आजू बाजू में जो चीज़ें जमा हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक्रीशन डिस्क कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, ये आजू बाजू में जो कुछ जमा चीज़ें हैं इसको हम लोग एक्रीशन डिस्क कहेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो क्या होगा, अब इसके बाजू में से, बिकॉज ब्लैक होल तो वैसे लाइट भी एमिट नहीं करता है, बिकॉज आपको पता है कि वो लाइट को भी निकलने नहीं देगा,
ब्लैक होल के बाजू में जो भी एक फ्रिक्शन वगैरह हो रहा है, तो फ्रिक्शन से एक आपका जेट का जेट स्ट्रीम जो है वो निकलता है, ओके, ये जेट का जेट स्ट्रीम जो निकलता है। तो इस सारे सेटअप को हम लोग ब्लाजार्स एंड क्वासार्स कहते हैं, ठीक है। क्यों, तो हुआ क्या था बेसिकली, इसके पहले अगर हम लोग ऐसे अगर स्पेस में देखेंगे, तो स्पेस में कुछ कुछ जगह पर, खास करके जहाँ पर ब्लैक होल्स होते हैं, वो आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्पॉट दिखते हैं, एकदम ब्राइट जो है वो आपको स्पॉट दिखते हैं। तो हमको लगा कि ये बहुत ब्राइट स्पॉट है, मतलब क्या होगा कि ये बहुत ही एकदम सुपर तेज जो है वो स्टार होगा। बट बाद में हमको पता चला कि दिस इज़ नॉट अ स्टार, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल के आजू बाजू में जो है वो ऐसे एक्रीशन डिस्क वगैरह है, और उधर से ऐसे जेट स्ट्रीम जो है वो निकल रही है। तो हम ये जब जेट स्ट्रीम वाले पार्ट को जब हम लोग देखते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इससे ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो कोई नहीं हो सकता। तो उस केस में फिर हम क्या करने लगे, हम लोगों ने इसको नाम दिया स्टार। लेकिन फिर हमको पता चला कि दिस इज़ नॉट अ स्टार, तो दिस इज़ अ क्वासी स्टार। तो तब से इसको क्वासार्स ये नाम जो है वो मिलना शुरू हुआ। तो सबको अब क्लियर व्हाट इज़ क्वासार। ये देखो, आपको लग रहा होगा इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं पूछती, जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ये सब इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो ब्लाजार्स के हैं, क्वासार्स के हैं, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है। तो क्वासार आई होप सबको क्लियर होगा कि दीज आर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, और दे आर पावर्ड बाय ऑब्वियसली सुपर मासिव ब्लैक होल्स विच लाई एट द सेंटर ऑफ द मासिव गैलेक्सीज। नाउ व्हाई दे आर सो ब्राइट, एज आई सेड देर इज कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन एक्रीशन डिस्क में, और एक्रीशन डिस्क से जो फ्रिक्शन के वजह से जो लाइट एमिट होती है, तो वो आपको इसलिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्राइट आपको दिखाई देगा। तो क्वासार्स आर टिपिकली मोर देन 100 टाइम्स ब्राइटर देन द गैलेक्सीज विच होस्ट देम, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। क्वासार्स ऑल्सो एमिट जेट्स फ्रॉम देयर सेंट्रल रीजन एंड विच कैन बी लार्जर टू एक्सटेंड, यू नो, जो गैलेक्सी उसको होस्ट करती है उससे भी बड़ा हो सकता है। ये आप लोगों का क्वासार के बारे में हुआ। तब क्वासार और ब्लाजार में क्या फ़र्क है, तो देखो क्वासार इज़ अ स्पेशल केस, ब्लाजार इज़ अ स्पेशल केस ऑफ क्वासार। कि देखो, अगर ये आपका ब्लैक होल है और इधर से आपकी जो लाइट जो इस तरीके से एमिट हो रही है, अगर आप इसको 45 डिग्री एंगल पर देखते हो तो आप उसको क्वासार बोलोगे। मगर आप अगर उसको 90 डिग्री एंगल में जा करके देखोगे, तो आपको एकदम बहुत ही, यू नो, जैसे बैरल ऑफ गन होती ना, बैरल ऑफ गन के अगर आप सेंटर से अगर आप उसको देखने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखेगा कि वो पाइप के आप थ्रू आप देख पाओगे। तो ऐसे ही जब हम इसके अंदर में देखते हैं, तो ये आप लोगों को ऐसे दिखता है, इसको हम लोग ब्लाजार कहते हैं। फिर तो ये क्वासार है और ये जो है वो ब्लाजार है, ओके। तो बस सिंपल सी बात है, जब आप इसको यहाँ से सीधा देखोगे, इस जेट स्ट्रीम के अंदर में अगर आप देखोगे, तो उसको आप ब्लाजार कह दोगे। और अगर आप इसको इधर से आप देख रहे हो, तो आपको ऐसे कुछ इस तरीके की डायग्राम दिखेगी, उसको हम लोग क्वासार्स कहेंगे, अदरवाइज ये ब्लाजार कहलाएगा, ठीक है। सबको इतना क्लियर क्वासार एंड ब्लाजार में क्या डिफरेंस है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरे पास में एक GIF है जिसके थ्रू आपको समझेगा। देखो, जब आप अब देख रहे हो, तो ये जब सेंटर में एकदम आ जाता है और आपकी आंखों पे जब ये प्रेशर डाल रहा है, तो जब आप उस तरीके से देखते हो तो वो ब्लाजार कहलाता है। अदरवाइज जब आप एकदम स्टार्ट में ये वाला पार्ट जब देखते हो, तो वो क्वासार कहलाता है। तो ये क्वासार है और अब ये ब्लाजार है। तो अब देखिए, एग्जैक्टली इस मोमेंट पर आपको ब्लाजार दिखा, वापस ये ब्लाजार दिखा। तो इस तरीके से ब्लाजार एंड क्वासार में मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आई होप इतना सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। कम ऑन गाइस, एवरीवन, ठीक है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट जो आप लोगों को सीखना है, उसका नाम है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार, तो अगेन व्हाट इज न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार में भी एक्चुअली आपके दो टाइप्स आते हैं। एक जो न्यूट्रॉन स्टार है उसको हम कहते हैं पल्सार, और दूसरा जो न्यूट्रॉन स्टार है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटार्स। तो व्हाट इज पल्सार एंड व्हाट इज मैग्नेटार, एंड पहले न्यूट्रॉन स्टार क्या है। तो देखो, अगर हमारा जो सन का जो साइज है, उससे अगर समझो 10 to 29 टाइम्स अगर सोलर मास का अगर कोई जायंट स्टार अगर कोलैप्स हो जाए, तो उसके बाद में न्यूट्रॉन स्टार बनता है। और अगर बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ये देखो, यहाँ पर आप देख रहे थे कि लार्ज स्टार कितना, 10 to 20 टाइम्स, तो वो बड़ा होगा, रेड सुपर जायंट बनेगा, उसके बाद में इस तरीके से उसमें ब्लास्ट भी होगा, और फिर सुपरनोवा के बाद में कुछ नहीं बचेगा पीछे। तो अगर ये 10 to 20 टाइम्स अगर हायर है, तो आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और समझो ये
30 to 50 टाइम्स अगर अपने सन के सोलर मास से अगर ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है तो फिर ये पक्का ब्लैक होल बनेगा। तो न्यूट्रॉन स्टार कुछ इस तरीके से बनता है। अगेन इसमें हम लोग इसको न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन मतलब अगर आप एक किसी भी एटम को अगर इतना कॉम्प्रेस कर दो कि इसके अंदर की सारी स्पेस ही ख़त्म हो जाए तो आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एनी हाउ है, बट अगर हम इसको और पुश करते जाएं और पुश करते जाएं पुश करते करते क्या हो जाएगा कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी सारे के सारे मिल जाएंगे, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे, और जब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी अगर आपके मिल जाते हैं तो उसके बाद में आपका क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। तो सारे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन इसमें बचे हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। तो ये देखो अगेन इसमें भी ऐसा ही पूरा पूरा ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद में इस तरीके से ये न्यूट्रॉन स्टार से सब कुछ बाहर निकलेगा। तो न्यूट्रॉन स्टार इज़ व्हाट, न्यूट्रॉन स्टार आर द स्मॉलेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स आर रेमनेंट ऑफ द स्टेलर डेथ, सो डेंस दैट दे पैक मोर देन मास ऑफ द सन इन अ स्फीयर ऑफ साइज ऑफ अ स्मॉल सिटी। मतलब इतना ज़्यादा जो है कि सन जितना आप एक न्यूयॉर्क सिटी में पूरा पूरा मास फिट कर सको उतना बड़ा, उतना वेट जो है वो ये न्यूट्रॉन स्टार का होता है। अब क्या होता है कि ये बहुत ही रैपिडली जो है वो रोटेट होते रहते हैं, तो रैपिडली रोटेट होते समय में ऑब्वियसली इनके थ्रू लाइट जो है वो निकलती है। तो अगर ये लाइट को आप अगर ऑब्जर्व करो और इसको अगर आप देखो तो आपको ऐसे पल्स में लाइट आते हुए दिखेगी, पल्स में। तो सिंस ये रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं और ये लाइट हाउस जैसे आपकी पल्सेटिंग होते हैं, इसलिए इनका नाम जो हम लोगों ने पल्सार रखा। देन सेकेंड जो स्टार्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटार्स। तो मैग्नेटार्स में क्या होता है कि आप लोगों का इस तरीके से यहाँ से बहुत ही बड़ी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन लोग क्रिएट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी क्रिएट होती है तो वो आप लोगों का जो बनेगा उससे जो न्यूट्रॉन स्टार जो बनेगा उसको हम लोग मैग्नेटार्स बोलते हैं। तो सबको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है एवरीवन, व्हाट इज़ पल्सार, मैग्नेटार, न्यूट्रॉन स्टार, क्वासार, ब्लाजार, एवरीवन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और जो है अमेजिंग चीज़ आपको सिखाना पसंद करूँगा, वो क्या है। तो देखिए कैसा है कि हमारा नॉर्मल मैटर जो है अपने को लगता है कि जो हम कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ रियल है, बट ऐसा नहीं है, वो रियल नहीं है। जो नॉर्मल मैटर हमारा जो है वो हार्डली 5% है। मतलब क्या, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं वही बस सिर्फ 5% है, बट कुछ मैटर जो है जो हमको लगता है कि ये मैटर के फॉर्म में है, बट अभी सनलाइट कहो या बाकी जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं करता है तो उसको हम लोग कहते हैं डार्क मैटर। तो डार्क मैटर ऐसा माना जाता है कि 26% डार्क मैटर है, एंड देन देर इज़ अ डार्क एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, और ये डार्क एनर्जी जो है वो 69% जो है ये आपकी वो डार्क एनर्जी है। तो इस तरीके से 5%, 26% और 69% डार्क एनर्जी का कंपोजिशन है। और रियल मैटर जो आप अभी देखते हो, मतलब सारे आपके प्लैनेट, सारे आपके स्टार, सारे आपके ब्लैक होल्स, ये जो भी ऑब्जर्वेबल रियलिटी है इट इज़ हार्डली 5%। और जो अनऑब्जर्वेबल रियलिटी है वो आपकी अभी भी 95% है। ठीक है, तो डार्क मैटर इज़ अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर। तो अभी तक हाइपोथेटिकल क्यों, बिकॉज इसको हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग प्रूव कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू फील इट। तो जस्ट लाइक एयर, वी कैन फील एयर बट वी कैन नॉट सी एयर। तो इसी तरीके से हम लोग जो इसको सी नहीं कर पा रहे हैं बट वी आर एबल टू फील इट। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं डार्क मैटर, एंड देन देर इज़ अ डार्क एनर्जी ऑल्सो। तो वो आपकी 69% है। तो क्या है डार्क मैटर की न्यूज़ क्यों है, बिकॉज अभी हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर के कोई प्रेजेंस के अपने पास में तरीके हैं जिनके थ्रू अपने को पता चल रहा है, आंसर इज यस। उसका वन ऑफ द एग्जांपल जो है वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू एक्चुअली वी आर एबल टू फील कि एक्चुअल में इस तरीके के स्टार वगैरह जो है या इस तरीके की एनर्जी जो है या इस तरीके का ब्लैक मैटर जो है एग्जिस्ट करता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कंसेप्ट सिंपल है। देखिए क्या होता है, ये वाला जो आप लोग जो यहाँ का जो सूर्य का सारा जो सिस्टम है इसको अगर आप लोग यहाँ पे अर्थ से अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे होता है, इतना दूर का आप लोग कैसे देख पाते हो, उसका आंसर सिंपल है। होता क्या है
कि हमारे बीच में जो है ऐसे मल्टीपल कुछ गैलेक्सीज़ वगैरह हैं, ये बहुत बड़ा कोई स्टार जो है वो बीच में आता है, और प्लस डार्क मैटर भी जो है वो हमको क्या करके देता है, इस लाइट को जो है वो बेंड करवाता है इस तरीके से, और वो लाइट को बेंड करवाने की वजह से जब हम लोग इस वाले इमेज में आइए तो इस वाले इमेज में तो डार्क मैटर एज वेल एज कुछ बीच के स्टार जो है वो अपने को देखो इस तरीके से दूर की जो चीज़ें हैं हमको देखने में हेल्प करवाता है। तो इसलिए हम लोग जो है इस तरीके से यू नो डार्क मैटर को हम लोग रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इफेक्ट भी जो है हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग देखिए कुछ इस तरीके से होती है और हम लोग इसको देखते हैं, तो ये लाइट बेंडिंग का काम जो है वो होता है। तो बेंड अराउंड द मासिव बॉडी, दिस इज़ वन रीज़न, एंड सेकेंड इज डार्क मैटर विच हैज़ बीन प्रूविंग कि एक्चुअली जो है वो वर्ल्ड में क्या एग्जिस्ट करता है, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, बट वी आर जस्ट अनेबल टू फाइंड इट अभी तक, यही जो है वो अपना इशू है। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, आप लोगों को आज मैंने सन के बारे में सिखाया, सन की लाइफ साइकिल कैसे जाती है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, उसके बाद में हम लोग जो है वो यहाँ से टेक ऑफ कर लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, अरविंदा UN नाम का टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। यस, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, दैट इज़ प्रोटोस्टार मेन सीक्वेंस रेड जायंट एंड देन वाइट ड्वार्फ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले साइंस एंड टेक के लेक्चर में, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और गाइज हमारा जो ये जो सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, सारा का सारा जो हमारा कॉन्क्लेव आ रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और आज लास्ट डेट है जहाँ पर आप स्पेशल प्राइस वीक के अंदर में ये सब आप लोग जो है वो ले पाओगे। तो आपके स्क्रीन पर 5 मिनट के लिए ये वाला स्पेशल प्राइस वीक का ऑफ़र आपके साथ में रहेगा, ताकि आप लोग इसको नोट कर सको और आप लोग कोड वगैरह यूज़ करके अभी के अभी एडमिशन ले पाओ। टेक केयर, गुड नाइट।